अल्लाम वरम्त ला वरक़ जान मिलत इस्लामी आप तमाम मो्मी को व फसल की तरफ से सलाम उठ घर में बड़ी बरदानिशी नज़तदार मौर बहनों को व फसल की तरफ से सलाम उठ दे बहरल के बहरहाल्ला से उम्मीद है आप लोग खरीद से होंगे अल्लाह की हिफाजत में होंगे इन मलूनों की मलामत से इन दरिंदों की दिंदगी से इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से इन शैतानों की शैतानियत से महफूज़ होंगे अल्लाह अपने हब्द अमान में रखे अल्लाह अपनी हिफाजत न रखे अल्लाह हर शर से हर आबाद से लोगों को महफूज रखे बहल खेफ जिस सी सी के लिए जीसीसी सी से ताल्लुक़ रखने वाली एक अच्छी खबर है जो आप लोगों को बता दूँ और आप लोगों का भी दिल बाग बाग हो जाएगा आप लोगों का दिल भी बहुत खुश हो जाएगा जो आप थोड़े दिन पहले एक दो महीने होने आ गया अभी तक भी जो है सो उस रंडी को उस पाशा को उस लिंडी को गिरफ्तार नहीं किया गया उसके बावजूद उसको 10 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट नहीं करने की एक बात की और उससे हटकर मज़ीद उसको जी से कैटेगरी के सिक्योरिटी दी गई उसको जेड जी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इनका नाजायज़ गुदी मीडिया का चैनल है जेड कैटेगरी नहीं बोल रहा हूँ मैं जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई ए, तो ये इसके ऊपर जी मिसाल के तौर पे कुवैत है क़तार है सऊदीया है बहरेन है अमां है ये लोग ने नाराज़गी वक्ती तौर पे ज़ाहिर की थी कि इसको जेड कैटेगरी की सिक्यटी क्यों दिए जबकि इसको रस्सी से लटकाना चाहिए क्योंकि ये वो नीच वो जलील वो घटिया औरत है जिसको एक इंसान कहने पे भी इंसानियत के लिए गाली है वो वो फाशा है जो इस्लाम की शान में हो या मुसलमानों की हो उससे बढ़कर जो उन्हें गुस्ताखी की गुस्ताख रसूल है वो गुस्ताखों की क्या सज़ा है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मैं दोहराना भी नहीं चाहता हूँ वो दोहराना भी नहीं चाहता क्योंकि इसके ऊपर जिस तरीके से सारे जी में अपने इंडिया के प्रोडक्ट को बेंड किया गया पाबंदी आयद की गई बैकआउट किया गया इन सारे चीज़ों से हट के वहाँ के सफ़ीरों को बुलाया गया अम्बासडरों को बुला के वार्निंग दी गई उसके बाद फिर यहाँ के हमारे फेगू मंत्री जुमला मंत्री ने जाके वहाँ पे माफ़ी मांगी और प्रॉमिस करके आए थे कि बहुत जल्द इसको गिरफ़्तार भी किया जाएगा और इसको सज़ा दी जाएगी लेकिन वो वापस आने के बाद बराक्स इसको जो है सो उल्टा हो गया कि पहले तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको धुतकार लगाई इसके औकात इसको दिखाई उसके बाद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई इसको नौ जगह जिस जो जो स्टेट में जहाँ पे इसके ऊपर केसेस बुक हुए थे वहां पे उसने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक जगह दिल्ली में केसेस के लिए कही वहां पे एक जगह आ जाना बोल के बोली तो वो तो पहले लगाई थी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और उसको 10 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करने की हिदायत भी जारी कर दी इसको लेकर ओ में एक मायूसी की लहर दौड़ गई थी लेकिन आज जिस तरीके से कोत और ये जिस की मीटिंग थी कतर के अंदर लेकिन वो मीटिंग में सारा यही छाया रहा कि हम इस कंट्री को जो बाबरी मस्जिद से लेके अभी तक बाबरी मस्जिद उसके बाद फिर तलाक फिर उसके बाद नक़ाब हिजाब फिर उसके बाद बुऱा फिर उसके बाद जीएसटी यानी इन सारे चीज़ों को लेके अज्जियतें देते देते यहाँ तक बात पहुंच गई कि दूसरे मसाजिद को भी शहीद करते गए ये लोग दूसरे मसाजिद को भी शहीद करते गए उसके बाद ये ज्ञान वापी मस्जिद का आया जो एक पानी के फुवारे को शिवलिंग का नाम दिया गया उसके बाद वो चलता रहा वो कहीं जाके ये लोग जैसा कमज़ोर पड़ा सीधा अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवास की शान में खुस्ताखे कर दिए वहां पे वो दरगाह नहीं थी वो क्या कि वो निकला वो ये निकला वो निकला उसके बाद फिर कोर्ट ने जड़ बड़ी सख्ती से नोट किया इन लोगों की औकात दिखाई फिर माफ़ी मांगी ये लोग फिर वो स्वामी को जो एक आश्रम के एक नाजायज औलाद है जो अपनी पत्नी को भी जिंदा जला दिया था पत्नी से धंधा कराता था कारोबार कराता था चमड़ी का वो फादशा थी उसके बाद उसने इसकी बात नहीं मानी तो एक दिन उसको जला दिया तो वो पाकिट वो ब्योड़ा वो गुड़म्बे ने ये दावा ठोका था उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया किसी तरीके से अभी तक वो अंदर है अभी तक वो अंदर है ए, लेकिन इनके ये सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत भी जो घिनौनी हरकतें ये लोग करते जा रहे हैं हर दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ, कुछ ना कुछ इनके हर वो चीज़ के हथकंडों के ऊपर बात भी इनकी हर साजिश के ऊपर हर चाल के ऊपर बात हुई इनकी हर गंदी सोच के ऊपर बात हुई उसके बाद ये लोग फ़ैसला ये पाए जैसा बाइकआउट किया ये लोग तमाम प्रोडक्ट को बें, बेंड किया हमारे इंडिया के पूरे मार्केटों से निकाले यहाँ तक के जो कपड़े हैं या चप्पलें हैं या जूतिये हैं कुछ भी है ऐसे चीज़ों को भी जहाँ पे इंडिया लिखे हुआ है उसको निकाल दिए लेकिन बस मार्केट्स के अंदर प्रोडक्ट इंडिया का जहाँ पर लिखे हुआ था उसको जो है सो ये लोग थाईलैंड का बना दिए या किसी चाइना का बना दिए या लेबनान का बना दिए या सीरिया का बना दिए ऐसा रख के बाज बेचते रहे लेकिन जहाँ पे चेकिंग भी जहाँ पे ये लोग दोषी पाए ये हरकत करते हुए या उन मार्केटों के लाइसें भी कैंसिल हुए कुछ टाइम के लिए लेकिन फिर भी इनको एक हद तक जब इन्हें जाके माफ़ी चाहा पेट में मुंडिया डाला जब बूसे बासी लिया इसने तो जो है एक टाइम दिए उसको लेकिन वो टाइम पूरा नहीं कर सके आज ये लोग ये पाया गया है जिस तरीक़े से ए, पहले बात हो रही थी कि जो है सो गैर मुस्लिम के वीज़े बंद किए जाएंगे और खासकर गैर मुस्लिम बोले तो उसमें क्रिश्चियन और दूसरे ऐसे नहीं सिर्फ आरएसएस के जो हिंदू है उनके वीज़े कोत ले लो सऊदिया ले लो दुबई ले लो बहरीन ले लो उमान ले लो लोतर ले लो यहाँ से बंद करने की बात हुई थी लेकिन बीच में फिर जो ज़रूरी है मिसाल के तौर पे जो डॉक्टर से इंजीनियर से जो चीज़ों की जो ज़रूरत होती है जो एक टाइम से थे वो लोगों के लिए फिर सहूलत दी गई छः छः महीने की, की गई उन लोगों को समझाया गया कि तुम ऐसी गलत चीज़ मत करो क्योंकि ये चीज़ें हैं वहाँ पे जिस तरीक़े से जो मार्केटों के अंदर पहले उन लोगों के पुतले बेचे जाते थे मूर्तियाँ बेचे जाते थे ये चीज़ को मना किया गया बिल्कुल सख्ती से और घरों में ये लोग जो छुपके छुपा के रख के, के पूजा वो करते थे वो चीज़ों को बंद किया गया बैंक पाबंदी आयद की गई उसके बावजूद ये लोगों के फिर भी हरकतें नजीस जारी थी तो आज कहीं जाकर कोत ने यहाँ की हमारी कैबिनेट को एक लेटर भेजा है विद इन वन वीक का टाइम दिया अगरचे एक हफ्ते के अंदर जिस तरीके से 10 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करना बोल के बोला कोर्ट 11 अगस्त को इसको अगर अगरचे गिरफ़्तार नहीं किया जाता 11 अगस्त को इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इन उसके ऊपर और जितने जो बचाने में इसकी तइद और सपोर्ट करने में जितने जो नामा सामने आए उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी इंटरनेशनल कोर्ट तक जीसीसी जाने का फ़ैसला किया जिसमें से आज जीसीसी की मीटिंग के बाद ओआईसी को भी ये मकतूब रवाना कर दिया गया और ओआईसी ने वो उसको सीधे तरीके से उसका रिस्पांस भी दे दिया उसने बोला कि हम पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं कि इनके ऊपर जो पाबंदी आयद किए गए जो एक्शन लिए वो नाकाफी है ये ऐसी दुम है ये कुत्ते की दुम ये कितना भी रखो बाटल में वो बाहर निकालते ही वही टिड़ी रहेगी तो इनको जब तक इनकी दुम की कटिंग नहीं होगी दुम को नहीं काटा जाएगा जब तक इनकी औकात इनको नहीं दिखाई जाएगी जब तक ये सुधरने वाले नहीं है तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं आज जो बात भी है इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात भी है लेकिन कब जाएंगे अगर से 11 तारीख 11 अगस्त को इसको गिरफ्तार नहीं करे इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करे तो अरब अब उनकी बेइज्जती के वैसा मनवा रहा है अरब ये चाह रहा है कि हम इतना करने के बाद भी ये लोग ये इसके ऊपर को आक्ष, कोई एक्शन नहीं लिए इसलिए ये लोग कि बिल्कुल नाक पे आ पड़ी है और अरब एकदम खिराकम के बातें में है जो मैं आप लोगों को बताना नहीं चाह रहा लेकिन साफ अल्फाजों में ये कह दूँ आप लोगों को अरब एक मरतबा कोई चीज़ के पीछे पड़ गया अगर से तो छोड़ता नहीं अरब एक मर्तबा कोई चीज़ थाम ले अगरचे तो उसको कुफरे करदार तक पहुंचाए तक वो खामोश इख्तियार नहीं करता यही पहचान अरब की यही आदत है चाहे आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे तो उससे उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहते हैं किसको क्या लगे तो ये कार्रवाई होने जा रही है ग्यारह अगस्त तक का टाइम दिया गया है ग्यारह अगस्त को अगर इस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई इसको गिरफ्तार ग्राफ, नहीं किया गया तो इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएगा ओआईसी और इंटरनेशनल कोर्ट में मालूम है ना वहाँ की अदालत जो हुक्म दे देती उसको ये लोग पाए तकमील करना पड़ता नहीं तो दुनिया से क्या होता है वो तो खैर आप लोगों को अच्छी तरह पता है मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों को यही कह देना चाह रहा हूँ ये अब बचने वाली नहीं है इसको जेड सिक्योरिटी दे दो कौन सी भी सिक्योरिटी दे दो इसको गटर में जाना तय है भगवे में जाना तय है ये बचने वाली नहीं है ना इसको कोई बचा सकता और जहाँ तक हो सके ये बच्चे कुचे जो सात दिन है उसको जी लेने दो जो घटर में जीती जो लेंडे खाती वो लेंडे खान दो जो मूत्र पीती वो मूत्र पींद दो हमको फ़र्क नहीं पड़ता और उसके बाद ये लोग खुद अगर से उसके ऊपर कुछ करे ठीक है नहीं करे अगर से तो करने वाला उखर इज्जत है उसके बाद वो करेगा इंशाल्लाह जो करना है यला मुन रहिए मुत रहिए आप लोगों को बताना ये ख़बर बहुत ज़रूरी था इसलिए आप लोगों को बता दिया मुनजम रहिए मुत रहिए अपने सफ़ों में इतिहाद बरकरार रखिए नमाज़ों की पाबंदी करिए माँ बाप की ख़िदमत करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए सलाम आ